हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया है, आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को US का बहुत ही इम्पोर्टेंट GDP का डेटा आने वाला है। और दोस्तों, GDP का डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को US का बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में मल्टीपल डेटा आने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाला है। दोस्तों, अभी हम लोग फॉरेक्स गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद फॉरेक्स सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, फॉरेक्स गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो गोल्ड 2517 के पास ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, 2520 गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, 2510 गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। दोस्तों, क्योंकि मार्केट मेजर डेटा का एंटिसिपेट कर रहा है और इसीलिए प्राइस में अभी रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी दिख रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2520 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 15 मिनट्स के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रांग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, 2520 के ऊपर 2525 से 2530 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2530 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 2550 के साइकोलॉजिकल लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर GDP का डेटा गोल्ड और सिल्वर के फेवर में आ जाता है और अगर प्राइस 2550 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 2600 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2510 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 15 मिनट्स के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल पे 2500 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 2500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 2490, 2480 और 2480 के नीचे 2460 से 2450 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है और उसी हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड प्लान करना सेफ रहने वाला है। तो ये रहा दोस्तों फॉरेक्स गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग फॉरेक्स सिल्वर का एनालिसिस कर लेते हैं। सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिल्वर 29.50 के पास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, आज के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में कंटिन्यूअस अप मूव दिख रहा है। दोस्तों, सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, 29.70 सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों, 29.70 के ऊपर 29.80 और 29.80 के ऊपर $30 प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, 29.40 प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और दोस्तों, 29.40 के नीचे $29 से 29.20 का जो रेंज है, यह प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 29.40 के ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल पे 29.70, 29.80 और $30 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं।
और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस $30 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रांग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 30.50 से $31 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 29.40 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रांग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल पे 29.20 और $29 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस $29 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 28.80 और 28.80 के नीचे 28.50 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों फॉरेक्स सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।